दिल्ली से हैं सतीश मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरे दो सवाल हैं। पूछिए। अब मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए कि मतलब मुझे पल्पिटेशन होती है और वो कोई टाइम नहीं है, कभी भी कहीं भी हो जाती है और पता नहीं क्यों होती है। और मेरी उम्र है 72 साल और मैं एक और बच्चे के बारे में जो 10 साल का है उसके लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस बच्चे की आंतें बड़ी हुई हैं जिसके कारण वो जब भी कुछ कहीं बाहर भी अगर है और वो कुछ खाता है तो उसके बाद उसको एकदम से टॉयलेट जाना पड़ता है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। और बच्चे की उम्र उसके बता लिए दीजिए। 10 साल, 10 साल, ठीक है। इनकी बस परेशानी ये क्या दो थी अर्जुन सवाल सर? जी, पल्पिटेशन, दो ही सवाल है। धन्यवाद। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम। बच्चे को एक आता है बादाम का गोंद, इसे आमतौर पर गोंद कतीरा कहते हैं। गोंद कतीरा, ये आप ले लें और उसकी उम्र बहुत कम है इसलिए 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए। 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए, दिन भर में एक बार या 2 बार। ये गोंद आपको पाउडर बनाना पड़ेगा और 2 ग्राम अंदाज से, चाहे 2.5 ग्राम हो जाए चाहे 1.5 ग्राम रह जाए, कोई बात नहीं, उसके खाने में मिला दिया करिए। और फिर कोई सब्जी सालन उसको दिया करिए और फिर आप बताइए आगे जब वो खाने लगे तो उसमें कितना फ़ायदा होता है। अभी बहुत तेज़ दवा उसको नहीं दे सकते, बाज़ार में मिल जाता है। बादाम का गोंद भी कहते हैं इसे, गोंद का तीरा भी कहते हैं, वो ले लें और इसको फ़ायदा उठाएं। नमक जैतून आप ले सकते हैं, नमक जैतून आप लें 1 या 2 चुटकी दिन भर में एक बार, और 2 बार भी ले सकते हैं। और गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी दिन भर में एक बार लें, और आपकी बीमारी के लिए मैंने ये नुस्खा बताया है, इसे आप इस्तेमाल करें और हम अच्छे जुड़े रहें। जिस नुस्खे से भी भगवान आपको फ़ायदा दे वो दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल से हैं रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, नमस्ते जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब। जय हिंद रानी साहब। डॉक्टर साहब, मेरे ना मेरी मम्मी को गिर गई है तो उनको चोट लग गई है शोल्डर में, तो उनके तीन तीन हड्डी जो है फ्रैक्चर हुई है, तीन हड्डी जो फ्रैक्चर हो गई अंदर। तो डॉक्टर साहब, वो क्या वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती है। तो मेरे दो सवाल है सर, एक सवाल और है। तो वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट लूँ। मैंने उनसे बात करी थी आपके बारे में, तो वो चाहती कि मैं आपका ट्रीटमेंट लूँ। और सूजन है हाथ में, ऑपरेशन में भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हार्ट पेशेंट है वो और शुगर भी है उनको। तो डॉक्टर साहब कह रहे हम ऐसे पट्टा सा डाल देंगे और खिंच सी पड़ जाएगी तो उसमें हड्डी जो है जुड़ जाएगी। अब पता नहीं जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ये मुझे हमें भी नहीं पता है, पर वो ऑपरेशन करवाने करने के लिए मना कर रहे हैं डॉक्टर सर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है वहाँ मना कर रहे हैं। हिमाचल में हमने उसमें एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसमें एज दिखाया था एज तो वो कितनी है? चाह। हाँ जी, 65 एज मम्मी की कितनी है? 65 साल, 65 साल जी 65 साल है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो जी। एक का कलौंजी का सिरका पी रहे हैं सर, उनको डायबिटीज है, कलौंजी का सिरका पी रहे हैं, उनको खट्टा ज्यादा लगता है तो जुकाम हो जाता है, तो वो कैसे लें आप ये बता दीजिए। ठीक है सर, और आपकी ठीक डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं वो, ठीक है मैम। ये सवाल है सर। थैंक यू। मम्मी के लिए देखिए ये हड्डी है, कभी भी कोई किसी की हड्डी डॉक्टर नहीं जोड़ता, जितनी भी हड्डियां हैं अपने आप जुड़ती हैं। शर्त ये है कि वो डॉक्टर से आप पट्टा लगवा लें, जो ऑर्थोपेडिक्स हैं अच्छे डॉक्टर हैं तो उनसे पट्टा लगवा लें और उसको
उस हाथ को या उस जगह को यूज़ ना करें ज़्यादा, और 3 महीने तक ये पट्टा आप उनके रहेगा या 1 महीने रहेगा ये डॉक्टर आपको बताएगा। और कैल्शियम इस्तेमाल करें, और अगर मेरी कोई दवाई साथ में लेना चाहें तो गौनसिया उनको 0.5 ग्राम रोज़ दूध के साथ दिया करें, लेकिन डॉक्टर से पट्टा ज़रूर लगवा लें। डॉक्टर अगर ऑपरेशन को मना कर रहे हैं हार्ट पेशेंट की वजह से, तो आप डॉक्टर की बात पर ज़रूर अमल करें।